मेरा नाम शाहरुख रफी है। मैं स्कूल बॉयज मिडिल स्कूल से हूँ। मैंने एक ट्रक बनाया है। एलपीजी है ना, इसको गैस बन। ये पीछे को थोड़ा क्या भाई कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है? अच्छा अच्छा ओके मात्मा अच्छा ये आपका इसमें क्यों बनाया ये मोबाइल? ये इसलिए टायर बनाया सर, एक जगह से दूसरी जगह हम चेंज कर सकते हैं इसको। ऊपर ये मकान बनाया और नीचे से अगर एक जगह नहीं सेट आया तो दूसरी जगह दे सकते हैं। आपका आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बनाया आप लोगों ने? ठीक ठीक रंग करके अगली बार इसको अच्छे से पॉलिशिंग करके ताकि नया नया इशू होता है पार्टी भी ले है, इंग्लिश भी ले है या जैसे उर्दू भी ले, लेकिन जब आज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैंने हाउस बनाया है, शेल्टर बनाया है और वॉशरूम बनाया है और साथ में गार्डन बनाया, फुटपाथ बनाई है। ये मैं ये डिस्क्राइब करने के लिए बनाया है क्योंकि आजकल हमारे एशिया में बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इस वजह से इंसान को अपने इर्द गिर्द ट्रीज लगाने चाहिए ताकि हमारा माहौल जो है वो आलूदगी से बच जाए। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी था कि हर घर के पास एक शौचालय होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शेल्टर, और हम देहाती लोग हैं इसलिए हमें एनिमल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ट्रीज होने चाहिए ताकि हम पोल्यूशन से बच सके। ये हमारा फर्ज है, हर एक को ट्रीज लगाने चाहिए। आज मैं ये डिस्क्राइब करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमेशा ट्रीज लगाएं ताकि हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आलूदा ना हो और बीमारियों से बच सके। ये हमारा फर्ज है, ये हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सिस्टम बनाया है सर मेरे लिए, और बहुत सारे बैट एनिमल्स और ये बैट एनिमल्स और ये बहुत सारे पेड़ हैं हमारा जूम टेक्नार का आज पहला एग्जीबिशन था टॉय फेयर 2021 का पहला एग्जीबिशन था जिसमें कोई 20 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। कोई हमें मोर देन 100 हमारे पास मॉड्यूल बने, बच्चों ने बनाए, टॉयज बनाए। हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि बच्चों के अंदर इनोवेशन लाई जाए और बच्चों को स्किलफुल बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ टॉयज ऐसे मिले जिसमें बच्चों ने बच्चों की इनोवेशन जिसमें थी, जैसे कि एक बच्चे ने मूवेबल हाउस बनाया, एक बच्चे ने बुलडोजर बनाया। ऐसी बहुत सी हमारे पास चीज़ें हैं जो आप फोटोग्राफ्स में देख पाएंगे। अभी तो हमारा ये पूरा साल चलेगा इंशाल्लाह, हर महीने हमारे ऐसी एग्जीबिशन लगती रहेंगी और हर स्कूल में हमें एक टॉय लैब क्रिएट करनी है जो हम शायद फर्स्ट मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी इनिशियली हमने एक जोनल लैब क्रिएट की है यहीं पर, जो सारी चीज़ें वहीं पर प्रिजर्व होंगे और ये प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हमारे पूरे साल चलते रहेंगे। बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी सर? बच्चों के लिए ये मैसेज है कि आप स्किलफुल बने, इनोवेटिव बने, ताकि हमारे बच्चे सिर्फ अपने वो गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट ना रहें, और ताकि वो स्किलफुल बने हमारे बच्चे, ताकि खुद कुछ कर पाए फ्यूचर में जाके। डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होने जा रहा है अभी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, उसके बाद स्टेट कंपटीशन। यहाँ से हम 3 सैंपल्स भेज रहे हैं जो डायरेक्ट कुपवाड़ा को भेज रहे हैं, जो वहाँ पे जाके हमारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मे भी वहाँ से अगर कुछ सिलेक्ट होता है आइटम तो वो स्टेट लेवल पे जाएगा।